अब इसराइल का ईरान भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब हिज़्बुल्लाह मिसाइल दागने से पहले 100 बार सोचेगा। अब हमास के रॉकेट इसराइल के आसमान में आने से भी परहेज करेंगे। क्योंकि इसराइल की रक्षा के लिए आ गया है अमेरिका का महाबली THAAD यानी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। थर्ड यानी टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, यही मिसाइल है जिसने हमास, लेबनान, ईरान और इसराइल के बीच सबसे बड़े युद्ध का संकट पैदा कर दिया है। यही मिसाइल है जिसने हमास के बाद ईरान के लिए भी दूसरा वॉर जोन तैयार कर दिया है। यही मिसाइल है जो ईरान के लिए सबसे बड़े खतरे की आहट बनकर सामने आई है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाने में कारगर माना जाता है। अमेरिका ने यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से बचने के लिए तैयार किया था। थर्ड बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। इसकी रेंज क्या है, इसके ऑपरेशन का दायरा क्या है, इस रिपोर्ट में अमेरिका के इस हथियार के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वो बड़े सवाल जिसने हमास से लेकर हिज़्बुल्लाह तक और हिज़्बुल्लाह से लेकर ईरान तक को डरा रखा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में थर्ड तैनाती करने जा रहा है। थर्ड के लिए कहा जाता है कि ये पल भर में दुश्मन के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता है और उसे बर्बाद कर देता है। आखिर थर्ड कैसे बनने वाला है हमास और ईरान के लिए काल, कैसे ये हमास के सबसे बड़े मददगार ईरान के खिलाफ भी खतरनाक युद्ध की शुरुआत कर सकता है। थर्ड के निशाने पर आए हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान, तीनों देश कैसे अब अमेरिका के इस सबसे घातक हथियार से खुद को बचाएंगे। इन सवालों को लेकर पूरी दुनिया में बात हो रही है, सऊदी अरब से लेकर यूएई तक, तुर्की से लेकर मिस्र तक। इस वक्त थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। अमेरिका ने पहले ही युद्ध के बीच भूमध्य सागर में 2 जंगी बेड़ों USS जेराल्ड आर फोर्ड और USS आइजनहावर की तैनाती कर दी है और अब थर्ड तैनात कर उसने मिडिल ईस्ट में अपनी बारूदी मौजूदगी को और बढ़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने यह फैसला इसराइल पर यमन, लेबनान से दागी जा रही मिसाइल को रोकने के लिए किया है। इसके साथ ही वो इराक में अपने बेस पर हो रहे हमलों को भी थर्ड के जरिए रोक सकता है। थर्ड की तैनाती से इसराइल मिसाइल हमलों से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि थर्ड इसराइल के आसमान में ऐसा कर्फ्यू लगा देगा जिसमें दुश्मन देश की मिसाइलों का दाखिल होना नामुमकिन होगा। चाहे वो गाजा से आने वाली हमास की मिसाइलें हों, लेबनान से आने वाली हिज़्बुल्लाह की मिसाइलें हों, थर्ड के सुरक्षा घेरे को भेदना अब नामुमकिन हो जाएगा। यहां तक कि ईरान की ताकतवर मिसाइलें भी अब इसराइल का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी। ईरान को डर सता रहा है कि अमेरिका अपने इसी डिफेंस सिस्टम से उसकी मिसाइलों को रोक सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट इलाके में बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन में अमेरिका बाजी मार लेगा। अमेरिका के बाजी मारने का मतलब है इसराइल को युद्ध में भारी बढ़त मिलना। इसी खौफ को लेकर पूरे इलाके में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यही वजह है कि थर्ड मिसाइल सिस्टम की वजह से इसराइल के सभी दुश्मन देश अमेरिका के टारगेट पर आ गए हैं। थर्ड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। थर्ड सिस्टम से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती हैं। अमेरिका के थर्ड मिसाइल सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए 1987 में तैयार किया गया था। थर्ड का रडार आसपास की मिसाइल को उसकी लॉन्चिंग स्टेज में ही पकड़ लेता है और टारगेट को शुरुआत में ही खत्म कर देता है। युद्ध के हालात में इस सिस्टम को सिर्फ 5 मिनट में एक्टिवेट किया जा सकता है।
अमेरिका के एक थर्ड मिसाइल डिफेंस की एक बैटरी यानी 6 लॉन्चर्स के साथ इस सिस्टम की कीमत करीब 25,000 करोड़ रुपए है। सऊदी अरब ने 2018 में अमेरिका से 44 थर्ड लॉन्चर और मिसाइल खरीदने के लिए एक समझौता किया था और इस सौदे की कीमत 1,25,000 करोड़ रुपए के करीब थी। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना महंगा है और हर देश ऐसे सिस्टम को खरीदने की हैसियत नहीं रखता है। थर्ड को अमेरिका ने यूएई में लगा रखा है। पिछले साल पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब अमेरिका इसे मिडिल ईस्ट के अपने और ठिकानों पर भी तैनात कर सकता है। थर्ड सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने का दावा करता है। थर्ड सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है, यानी ये मिसाइलों को रोकने और भटकाने की जगह उन पर सीधी आमने सामने का वार करके उन्हें तबाह कर देता है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में इसराइल को एक बड़े सहयोगी के तौर पर देखता है। इसकी एक बड़ी वजह ईरान से निपटना भी है। अमेरिका की फॉरेन असिस्टेंट एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी मदद से इसराइल उस इलाके में आसपास के खतरों से निपटने के लिए सैन्य बढ़त बढ़ाए रखने में कामयाब रहता है। इस जंग में अमेरिका खुलकर इसराइल का साथ दे रहा है और इसी साथ के चलते ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं। कहां कहां हैं, कितने सैनिक तैनात हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। 40,000 से ज्यादा अमेरिका के सैनिक ईरान के आसपास तैनात हैं। कहां कहां? कुवैत में, यहां पर देखिए अपना अड्डा बनाया हुआ है अमेरिका ने, यहां सैनिक अपने तैनात कर दिए। बहरीन में भी यहां अड्डा बनाया अमेरिका ने, अपने सैनिकों को यहां तैनात कर दिया है। इसी के साथ में सऊदी अरब में के पास में यहां ओमान में भी देखिए अमेरिका ने अपने सैनिकों को तैनात किया, यहां अड्डा बनाया। यूएई में भी यहां पर इधर की तरफ से भी घेरा हुआ है और यहां पर भी अड्डा बनाया। कतर में भी इसी तरीके से घेरा बनाते हुए यहां सैनिकों को तैनात कर दिया है। कहां कहां कितने सैनिक तैनात किए हैं, कितने अड्डे बनाए हैं अमेरिका ने, ये भी हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। कुवैत में 10 बेस बनाए हैं अमेरिका ने और यहां अपने 13,000 सैनिकों को तैनात करके घेराबंदी कुवैत की ओर से की गई है अमेरिका की ओर से। इससे आगे बढ़ते हैं बहरीन में तो 12 बेस अमेरिका ने यहां पर बनाए और यहां अपने 3700 सैनिकों को तैनात करके इसराइल को बड़ी मदद देने का काम किया है। इससे आगे अगर आप बढ़ते हैं सऊदी अरब में 10 बेस बनाए और 3,000 सैनिकों को यहां अमेरिका ने तैनात कर दिया। ये देखिए हर तरफ से अमेरिका घेरने की कोशिश कर रहा है और इसराइल को बड़ी मदद पहुंचा रहा है। ओमान में भी 6 बेस उसने बनाए और 600 सैनिकों को अपने यहां पर तैनात कर दिया है। ये तैनाती अमेरिका की ओर से की गई है कि अपने सैनिकों को यहां तैनात करेगा और यहां से बड़ी मदद पहुंचाएगा वो इसराइल को, ताकि ईरान को इस तरफ से घेरा जा सके और यहां से घेरते हुए वो इसराइल की मदद करे, क्योंकि ईरान किस तरीके से इसराइल के खिलाफ खड़ा है ये हम सब देख रहे हैं। 13,000 अमेरिकी सैनिक यहां रखे गए हैं, यूएई में 3 बेस बना दिए गए, 5,000 सैनिक यहां रखे गए हैं, कतर में ये बड़ा अड्डा बना हुआ है। सबसे बड़ा अड्डा अगर कहीं बनाया है तो वो कतर में बनाया गया और 13,000 सैनिक यहां तैनात कर दिए गए हैं। ये वो देश हैं जहां से ईरान बहुत ज्यादा करीब है और इसी के चलते अमेरिका ने यहां बनाया है अपना अड्डा ताकि वो अपने मित्र देश इजराइल की मदद कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की फौज जिस तरह से गाजा को हजारों टन बम मारकर समतल कर रही है, इसने ईरान को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है। हिजबुल्ला की नींद उड़ गई है, लेकिन अगर जंग ईरान तक पहुंच गई तो अमेरिका को युद्ध में खुलकर आना पड़ेगा। अगर जंग का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमास और इजराइल के बीच शुरू हुआ युद्ध ईरान और अमेरिका की भिड़ंत में बदल सकता है, जो तीसरे विश्व युद्ध का आगाज साबित होगा। सवाल है क्या इसीलिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में थर्ड की तैनाती बढ़ा रहा है।